तभी तो रात को बेरा हूँ तो नींद ही नहीं आती है, कब गिर जाना कोई पता भी नहीं। चिंतपूर्णी के साथ लगती पंचायत समनोली में एक ऐसा दंपत्ति परिवार है जो पिछले काफी समय से जर्जर मकान में रहकर अपना जीवन काट रहे हैं, लेकिन अब इनके इस कच्चे मकान की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि दोनों बुजुर्ग पति पत्नी को रात को इस सलेट नुमा मकान के अंदर सोने को भी डर लगता है कि क्या पता कब उनका ये जर्जर मकान गिर जाए। वहीं सोशल वर्कर विकास लाल ठाकुर ने उनके इस घर की दयनीय हालत को देखा तो लाइफ टाइम्स टीवी के साथ संपर्क किया, जिस पर लाइफ टाइम्स टीवी के मीडिया प्रभारी अमन शर्मा उक्त बुजुर्ग दंपत्ति के घर पहुंचे। उक्त दंपत्ति का नाम बीपीएल में भी है, लेकिन पिछली पंचायत में जब इनके मकान के लिए 1,30,000 रुपए मंजूर हुए थे तो ये धनराशि किसी कारणवश वापस हो गई। अब इस दंपत्ति को नई पंचायत से बड़ी उम्मीदें हैं। इस दंपत्ति ने बताया कि पिछले काफी सालों से वे इस जर्जर मकान में रह रहे हैं और अब तो इस मकान के गिरने का डर लगा रहता है, जिससे रात को नींद भी नहीं आती है। उम्र कितनी है? 60 साल। कितने साल हो गए इस मकान में रहते हुए? 85 से रह रहे हैं। तो अब क्या दिक्कत आ रही है इस मकान में? अब गिरने वाला है, अब तो डर लगता है वैसे। उनको रात को मेरे को तो डर लगता है। तो अभी कहाँ, रात को कहाँ पर सोते हैं? कभी अंदर सो जाए, रात को अंदर ही सोई थी। अच्छा, हाँ जी। तो पंचायत की तरफ से क्या आपकी सहायता की गई अभी तक, पिछली पंचायत की तरफ से और इस बार पंचायत की तरफ से? अभी तो कुछ भी नहीं किया मेरे को। तो सरकार से आपकी क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं आप सरकार से? मेरा मकान बन जाए क्या? नहीं है, रहने को नहीं है ठिकाना। तभी तो रात को बेरा हूँ तो नींद ही नहीं आती है, कब गिर जाना कोई पता भी नहीं। वहीं सोशल वर्कर विकास लाल ठाकुर को दंपत्ति मदन लाल व उनकी पत्नी प्रेमलता ने बताया कि प्रशासन और पंचायत प्रतिनिधि उनकी तरफ ध्यान दे और उनके मकान को लेकर सरकार की तरफ से उन्हें सहायता प्रदान की जाए। मुझे कल ही सूचना मिली है कि यहाँ पे ऐसे खस्ता हाल में ये मकान है, पिछले काफी 30-35 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। तो मैं आज मौके पहुंचा हूँ, मैंने कहा यहाँ तो हाल बहुत खराब है, मकान तो कभी भी गिर सकता है। तो निश्चित रूप से पंचायत को और प्रशासन को इसके बारे में सोचना चाहिए, बरसात का इंतजार ना करें, मेरी समझ तो यही कहती है। और एज सून एज पॉसिबल इनका जो भी आर्थिक मदद मेरे हिसाब से मिल सकती है। तो क्या इनके मकान को लेकर पैसा मंजूर हुआ? पैसा जैसे मुझे भी इनसे पता लगा है, पैसा तो मंजूर हुआ था पिछली पंचायत में, जो ये 2021 के पहले का जो टेंडर रहा है पंचायत का। अब किन किस कारणवश वो पैसा वापस मुड़ा है, इसके बारे में मैं सोमवार को पंचायत अपने जाने वाला हूँ सिंगोली पंचायत में, उसके बाद मैं कन्फर्म करता हूँ। और संबंधित जो भी इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं मैंने कलेक्ट कर लिए हैं, तो मैं निश्चित रूप से सोमवार को जाकर देखता हूँ कि क्या वजह रही और किस वजह से मुक्ति देता हूँ भैया नहीं करेगी। लाइव टाइम्स टीवी के लिए चिंतपूर्णी से अमन शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन शिमला सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।